काली तेरी गुत ते परांदा तेरा लाल नी। आप मेरे ससुराल वाले हैं, मेरी शादी ठेठ पंजाबी परिवार में हुई। मेरे ससुर जी के माता पिता सियालकोट के थे और बंटवारे के समय मेरे ससुर जी को पीठ पे बांध के उनकी माता जी छुपा के यहाँ लाई और फिर यहाँ से उन्होंने अपना अपना कारोबार शुरू किया। एकदम सब कुछ छोड़ के, अपना पूरा सारा जो भी था वह सियालकोट में छोड़ के जब यहाँ आए तो उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। मुरादाबाद में गए, पीतल का कारोबार शुरू किया। पांच भाई थे मेरे ससुर जी और उनके भाई, तो एकदम अच्छा बड़ा ठेठ पंजाबी परिवार था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने पंजाबियत के बारे में कैसे सीखा। मेरी शादी होने वाली थी और मेरे पिता का स्वर्गवास हुआ था कुछ सालों पहले, तो माता जी सब कुछ अकेले कर रही थी और पहली बार घर में शादी थी तो थोड़ी सी घबराहट थी कि सब कुछ ठीक ढंग से होना चाहिए। तो सारे रीति रिवाज, सब कुछ जैसे पूजा होनी चाहिए, सब कुछ उन्होंने सारा इंतज़ाम किया हुआ था। मेरी पंजाबी सहेलियां थी कॉलेज में, तो घर आई, ढोल लेके आई। तो एक दिन शाम को मेरी सहेलियां आई, ढोल लेके बैठी और नाचने लग गई, गाने लग गई। उस समय गाना था काली तेरी गुत ते परांदा तेरा लाल नी। गाने लग गई, नाचने लग गई, अंदर से मम्मी निकली और ऐसे खड़े होके कही, हमारे घर में शादी के टाइम नाचते नहीं हैं। तो हम सब रोने लग गए और वहीं से मैंने सीखना शुरू किया कि पंजाबी जो संस्कृति वो कैसी होती है, क्या होती है। मेरा परिवार अलग था, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे। मेज़ पे भी जब हम खाने के लिए बैठते थे तो जब तक इंदिरा जी का परमिशन नहीं लेते थे तब तक हम बच्चे उठ नहीं पाते थे। तो जब मेरी शादी हुई तो एकदम मैंने एक अलग कल्चर देखा, एक अलग संस्कृति देखी। और मेरी सासू माँ भी पंजाबी नहीं थी, लेकिन उनकी शादी पंजाबी घर में हुई थी तो उन्होंने सब कुछ अपनी सासू माँ से सीखा था। तो मुझे कोई फ्री एंट्री पास नहीं दिया उन्होंने, इजी एंट्री नहीं कराई मेरी। तो मुझे लगता था मैं सफाई भी कर लेती थी उनके लिए, पलंग भी बना देती थी, सूटकेस भी बना देती थी अगर कहीं जा रही, खाना पका देती थी, किचन भी साफ करके रखती थी। क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी सासू माँ तो कभी खुशी नहीं हो रही है, मैं तो सब कुछ कर रही हूँ। आपको मालूम है कैसा लगता है। तो आस्ते आस्ते उस घर में रहते हुए मैंने उस घर का रहन सहन देखा, किस तरह जब मेहमान आते थे तो कितनी उदारता से, प्रेम से सब साथ में खाना बनाना, मिलजुल कर रहना, जितना दे सकते हो उतना देना।